हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आप लोगों के बीच पीएफ से जुड़ी एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको यूएन के पासवर्ड को कैसे रीसेट या फॉरगेट करें उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में जाके ईपीएफ लॉगिन पोर्टल लिखना है, उसके बाद मेंबर होम जो कि पहला टैब है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यूएन लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसे स्किप कर देना है। फिर आपको यूएन पास इसमें आपसे आपका यूएन डालने के लिए बोलेगा, उसे फिल करना है। यूएन डालने के बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिटेल फिल करना है, जिसमें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आता है। ये सभी डिटेल एज पर आधार और ईपीएफ के रिकॉर्ड के अनुसार है, जिस जो कि आपने कंपनी में रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा किया था। फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, जिसमें आपसे आपका आधार नंबर और कैप्चा मांगेगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने करके वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। OTP वेरीफाई होने सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपके पास नया पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको न्यू पासवर्ड करके टैब होगा, उसमें आपको अपना पासवर्ड दोबारा से बनाना है। देन उसको कंफर्म पासवर्ड में डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली फॉरगेट हो गया है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आपका पासवर्ड जो कि आपने बनाया है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से यूएन वाले पोर्टल पे जाएंगे, पॉपअप को स्किप कर देंगे। देन आप उसमें यूएन नंबर अपना डालेंगे, 12 अंकों का यूएन नंबर डालने के बाद जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है, देन साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद फिर से कैप्चा भर के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यूएन ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने ईपीएफ से जुड़ी सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने आधार और बाकी डिटेल के अनुसार वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि व्यू जो कि सेकेंड टैब है, उसमें आप अपने सर्विस डिटेल प्रोफाइल देख सकते हैं, जिसमें आप जितने भी कंपनी में अब तक काम किया हैं उस सभी की डिटेल और ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट के साथ आपको दिख जाएगा। इसमें आखिरी कॉलम पासबुक का होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा पासबुक वाले लिंक पे चले जाएंगे। उसमें आप अपना यूएन और पासवर्ड डाल के अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन के साथ। अगला टैब है मैनेज का, जिसमें आप जाके अपने बाकी के डिटेल भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल, KYC, डेट ऑफ एग्जिट और ई नोमिनेशन आता है। इसमें आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल अगर कोई चेंजेज है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं OTP डालने के थ्रू। देन आप KYC जो कि आपने वेरीफाई करवाया होगा कंपनी में ज्वाइनिंग के टाइम, वो सभी आप चेक कर सकते हैं, या फिर कोई KYC आपका पेंडिंग है वो भी देखकर अपना एम्प्लॉयर से अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है ई नोमिनेशन और मार्क एग्जिट।
अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है और कंपनी ने आपका डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला है, वो आप खुद डाल सकते हैं नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद। डेट ऑफ एग्जिट डालते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप। अब लास्ट टैब है जो ऑनलाइन सर्विस से लेकर है, इसमें आप अपना क्लेम स्टेटस, क्लेम ऑनलाइन फॉर्म ये सभी भर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र का फॉर्म भी यहीं से भरा जाता है। इसमें आपको सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म जो कि 10C-19 और एडवांस के लिए फॉर्म नंबर 31 का ऑप्शन आता है, उसके बाद आप उस क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है और वो सभी कंपनी में अलग अलग अकाउंट में PF हैं, तो उन सभी को मर्ज करने के लिए आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है, वन मेंबर वन अकाउंट करके, जिस पे जाके आप अपने पुराने सभी अकाउंटों का PF करंट अकाउंट में, जिसमें अभी आप वर्किंग हैं, उसमें मंगवा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर विड्रॉल का फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका एक बार में ही सभी PF आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। इस प्रोसेस में एम्प्लॉयर के फॉर्म एक्सेप्ट करने के बाद EPF की तरफ से 5 से 10 दिन मैक्सिमम लगता है और आपके सभी अकाउंटों का PF एक अकाउंट में मर्ज हो जाएगा, जिससे आपको PF विड्रॉल के टाइम में बहुत ही आसानी होगा सभी PF एक साथ निकालने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।